तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशुमन एंड आप सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑल हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मालकी चौहान के बारे में, जो कि यार एक झारखंड की यूट्यूबर है एंड साथ में भी हाल ही में उनकी यार डेथ हो चुकी है। एंड तो अगर मैं आपको बताऊं तो यार उसके ऊपर हमारे मनोज दे भाई भी कुछ वीडियो बनाए थे एंड साथ में उन्होंने यार वो पता नहीं क्यों वीडियो डिलीट कर दिया। और इस बारे में मनोज दे कल के दिन अपनी इंस्टा स्टोरी पे कुछ बताए भी थे। तो चलिए वो क्या कुछ बोले आप देखिए। तो अब एक यूट्यूबर ने जो है आत्महत्या कर ली है, मालती चौहान उसका नाम था। इस पे मैंने अभी जस्ट वीडियो भी डाला था, बट वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। रीजन बता रहा हूँ, मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे किसी का मौत का तमाशा बन जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। जब से उसका मौत हुआ है तो काफी सारे ऐसे चैनल्स है जो सिर्फ वीडियो पे वीडियो बना रही है व्यूज के चक्कर में। ये देखिए, एक दिन पहले, ठीक है, 23 घंटा पहले, 19 घंटा पहले, 17 घंटा, 15 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, मतलब वीडियो पे वीडियो आ रहा है क्योंकि व्यूज बहुत आ रहा है देखिए उसके नाम से। तो इसी पे अभी मैंने वीडियो डाला था कि कैसे कैसे लोग हैं, मतलब किसी का मौत हुआ उससे इसको घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ व्यूज आना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाया था ताकि आप लोग भी देखो और इन लोगों के जाके कमेंट करो इन लोगों के वीडियोज में कि ये गलत बात है। एक दो वीडियो बन गया तो मेरे ही वीडियो में कमेंट आने लग रहा, मनोज भाई आप भी तो व्यूज के चक्कर में उनके नाम पे वीडियो बनाते। तो लीजिए, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता व्यूज आए ना आए, मुझे सिर्फ आवाज उठाना था। तो चलिए मैं स्टोरी ही डाल देता हूँ, फिर भी आप लोग समझो इस चीज को। और जो ऐसा काम कर रहे जाकर कमेंट में उन लोगों को समझाओ कि ये गलत बात है, किसी का मृत्यु हुआ है, देहांत हुआ तो भाई थोड़ा। तो इसी के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो डाला था, ठीक है, 20-25 हजार व्यूज आ गया था आधा घंटा में, मैंने उसको डिलीट कर दिया। कमेंट आ रहा है कि मनोज भाई आप भी तो व्यूज ही छाप रहे हो, आप भी तो उसके नाम से वीडियो बना दी। तो मैं वीडियो इसलिए बनाया था ताकि आप लोग समझो, देखो कि क्या कर रहे हैं लोग और जाकर करके उन लोगों का कमेंट वगैरह में उन लोगों को समझाओ कि ये गलत हो रहा है। लेकिन कभी कभी मैं वीडियो डालता हूँ लेकिन आप लोग समझ ही नहीं पाता, आप लोग का कमेंट आ रहा है मनोज भाई आप भी तो व्यूज ही छाप रहे। अरे नहीं फर्क पड़ता मुझे व्यूज से, मेरा व्यूज उतने ही आता जितना मेरा डेली का वीडियो में आता। लीजिए वीडियो डिलीट कर दिया, स्टोरी लगा दिया, फिर भी जा करके समझो चीजों को, ठीक है। कैसे कैसे जो मतलब फैन फॉलोइंग है, कैसा जो लोग समझ में नहीं आता है कि क्यों वीडियो डाला। अगर वीडियो नहीं डालूंगा तो कैसे आवाज उठेगा और कैसे मैं आप लोगों तक बात पहुंचाऊंगा। लीजिए स्टोरी डाल दिया, देखते हैं आप जितने लोगों तक बात। तो चलिए गाइस, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले यार अभी हाल ही में संदीप महेश्वरी की हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा यार कैरी मिनाटी के बीच में यार उनकी छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, इसमें हमारे कैरी मिनाटी भाई ने उनको एक रोस्ट करा था एंड साथ में संदीप महेश्वरी उस रोस्ट से थोड़ा सा नहीं है, वो कुछ लिखे भी है। डियर कैरी मिनाटी, यू मेड ऑफ अ प्राउडली वीडियो ऑन मी दैट स्कूल, बट जो भी आप लोगों ने मेरे कैरेक्टर्स पे बोला मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, आपने डैश डैश कुछ करके गाली भी दी है मेरी ऑडियंस को एंड साथ में अगर उस चीज पे कैरी मिनाटी भी कुछ रिप्लाई देते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना, वैसे आपको कैसे दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो आपको पता होगा यार हमारे सौरभ जोशी भाई ने भी एक गिव अवे वीडियो रखा था जिसपे उन्होंने यार एक लैपटॉप गिफ्ट करा है। तो उसका विनर कौन है आप लोग इस क्लिप में देखिए। ये है हमारे गिव अवे विनर पंकज। तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है गिव अवे देने का हमारे सब्सक्राइबर को, पंकज भाई को। तो कांग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू। साथ में ये चॉकलेट भी है। अनबॉक्सिंग अभी करोगे या बाद में करोगे? तो बस गाइज आज के लिए वीडियो में इतने अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।